कोशिका क्या है इसे समझना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि क्या होती है स्टेम सेल, किसे कहते हैं स्टेम कोशिका। तो सबसे सिंपल परिभाषा जो कहेंगे, अनडिफरेंशिएटेड एंड डिविजन कैपेबिलिटी सेल, अविभेदित तथा विभाजन की क्षमता रखने वाली कोशिका, विभाजन की क्षमता रखने वाली कोशिका स्टेम कोशिका कहलाती है। अविभेदित तथा विभाजन की क्षमता रखने वाली कोशिका को स्टेम सेल कहा जाता है, स्तंभ कोशिका कहा जाता है। अनडिफरेंशिएटेड शब्द पर ध्यान देना, इसका मीनिंग क्या हुआ समझिएगा। देखो, जब कोई बच्चा कक्षा आठवीं में होगा, नवीं में होगा, दसवीं में होगा, तो वो भविष्य में क्या करने जाएगा, वो मैथ साइंस लेगा, कॉमर्स लेगा, या फिर वो आर्ट्स बैकग्राउंड में जाएगा, वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, अभी कुछ तय नहीं होता है। तो कक्षा दसवीं तक जो विद्यार्थी है उसे कहेंगे कि वो अविभेदित है, अनडिफरेंशिएटेड है, अभी उसने कुछ डिसीजन नहीं लिया है। पर मान लो कि उसने डिसीजन ले लिया कि वो मैथ साइंस लेगा, या उसने डिसीजन लेगा कि वो बायोलॉजी लेगा, तो इसका मतलब अब वो डिफरेंशिएट हो गया, अब वो विभेदित हो गया, अब वो तय हो गया कि यही करने जा रहा है, अब वो विभेदित हो गया कि वो निश्चित क्षेत्र में जाएगा। तो ऐसी कोशिकाएं जिन्होंने अभी तय नहीं किया कि वो क्या करेगी पर उनमें विभाजन की क्षमता है, ऐसी कोशिकाओं को स्टेम कोशिका कहते हैं। ये भी एक ऐसी युक्ति है जो जादू की छड़ी है। मैं बता दूं कि भविष्य में इस युक्ति के कारण पूरे विश्व में जहां हम दिव्यांग जनों की समस्या हल कर देंगे, वही इस टेक्नोलॉजी के कारण मानव की आयु को डबल किया जा सकेगा। आइए देखते हैं ऐसी अद्भुत शक्ति क्या है इन स्टेम सेल कोशिकाओं में। ये स्टेम सेल कोशिका एक सिंगल कोशिका है जो पूरा हार्ट बना सकती है, ये एक स्टेम सेल कोशिका पूरी किडनी बना सकती है। कल्पना करो, कोई 55 साल का व्यक्ति है और उसके पास 10-15 लाख रुपए हैं, वो अपने स्टेम कोशिकाओं को, उसको पता है, कल्चर मीडियम के लिए किसी लेबोरेटरी में भेज देगा, किडनी की, हार्ट की, फेफड़ों की, लीवर की, और सब के सब जब डेवलप हो जाएंगे तो इसका एक ऑपरेशन होगा और शरीर के पूरे स्ट्रक्चर जो पुराने हो गए थे उसकी जगह नया स्ट्रक्चर लेकर आ जाएंगे, ये व्यक्ति फिर से युवा अवस्था जैसा फील करेगा। कल्पना करिए कि हार्ट नया हो गया, फेफड़े नए हो गए, किडनी नई हो गई, लीवर नया हो गया, आप इस स्टेम सेल टेक्नोलॉजी से मानव को कभी आसानी से मरने नहीं दे सकते हैं।